अस्सलाम वालेकुम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोलिक एसिड टैबलेट सप्लीमेंट्स के बारे में कि फोलिक एसिड क्या है फोलेट और फोलिक एसिड में क्या डिफरेंस है अगर जिसम में फोलिक हो जाए तो इसकी अलामत क्या है इसके फूड सोर्सेज हमें नेचुरल तौर पर फोलिक एसिड कहाँ से ली जा सकती है इसकी इंडिकेशन क्या है और इसका डोज कितना है और प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है अगर फोलिक एसिड का इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन पे तफशील बात करते हैं फोलिक एसिड एक वाइटामिन जो कि वाइटामिन बी नाइन है ये नेचुरल फॉर्म में फोलेट होता है और सेंथेटिक फॉर्म में फोलिक एसिड तैयार की जाती है हमारी बॉडी में मुख्तलि पाए जाते हैं जिसमे फेट सोल्यूबल वाइटामिन और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं जिसमे वाइटामिन बी कम्पलेक्स का एक जूस होता है जिसको फोलेट या वाइटामिन बी नाइन कहा जाता है फोलेट हमारे जिसम आरबीसी प्रोडक्शन यानी कि जो हमारे जिसम में रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है और साथ ही मेटाबलिता है साथ मिलकर अहम किरदार अदा करता है अगर बाडी में फोलेट की डेफिशंसी हो जाए तो ये एनीमिया यानी कि खून की कमी कास करता है जिसमे मेगालो प्लास्टिक एनीमिया जिसमें आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और इसी तरह ही फोलेट की डेफिशिएंसी मैक्रोसिटिक एनीमिया भी काज करती है अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे जिसम में फोलेट की डेफिशिएंसी हो चुकी है जब जिसम में विटामिन बी नाइन यानि के फोलेट की डिफिशंसी फोलेट की कमी होगी तो जिसम में हर वक़्त कोई भी काम करने को दिल नहीं करता हर वक़्त सुस्ती रहती है सांस लेने में दुश्वारी होती है और मरीज हर वक़्त गुनूदगी में रहता है अक्सर अफराद को तो सर में दर्द रहता है है दिल की धड़कन तेज रहती है जिसम पिलाहट का शिकार रहता है खास तौर पर चेहरे और हाथों पाओ की रंगत पीली जर्द होती है अब हम बात करते हैं कि फोलेट की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाए तो सबसे पहले आप ये फूड सोर्स से पूरी कर सकते हैं जो आप नॉर्मल गजा लेते हैं जिसमे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और बीन्स है पीनट्स है सनफ्लावर सीड्स है फ्रेश फ्रूट फ्रेश जूसेस ले सकते हैं होल ग्रेन्स में लिवर और एग्स में फोर्टिफाइड फूड जो के सप्लीमेंट्स होते हैं स्पेशली जिस तरह फोलिकट आती है ये सप्लिमेंट से आप में की को पूरा कर सके सवाल यहाँ पैदा होता है तो हमें सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड लेने की जरूरत क्यों पेश आती है फोलेट वाइटामिन बी नाइन चूँकि निहायत ही सेंसिटिव निहायत ही हसास वाइटामिन है जो के हीट से ऑक्सीडेशन से या अल्ट्रा लाइट से से डिस्ट्रक्शन हो जाती है खाना पकाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है तो हीट फौरी तौर पर फोलेट की डिस्ट्रक्शन कर देती है यही वजह होती है कि जब जिसम में शदीद फोलेट की कमी हो जाए तो हमें सिंथेटिक यानी तौर पर फोलिक एसिड की डेफिशंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हम बात करें फोलिक एसिड के इंडिकेशन यानी कि इसके यूजेस की तो ये एनीमिया जिसमें मेगलो एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया में इस्तेमाल की जाती है इसके अलावा फोलिक एसिड टेबलेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में किया जाता है जो कि कंसेप्शन से लेकर हमल के तीसरे महीने तक इस्तेमाल करवाई जाती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी के हमल के पहले तीन महीनों में बच्चे के मुकम्मल बनने और बच्चे की निशूनमा के लिए और बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मुकम्मल बनाने में अहम किरदार अदा करती है अगर प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो ये बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज कर सकती है जिसमें बच्चे का ब्रेन और स्पाइन मुकम्मल तौर पर बन नहीं पाता जिसकी वजह से पैदाश के दौरान बच्चे में स्पाइना बिफिडा की बीमारी देखने को मिलती है जिसमें बच्चा जिस्मानी और दिमागी तौर पर माजूर होता है अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड टेबलेट की डोजेज के बारे में के इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए फोलिक एसिड की एक टेबलेट फाइव मिलीग्राम की होती है ये मेगलोब्लास्टिक और एनीमिया में चार महीनों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है और प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड टेबलेट का इस्तेमाल फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी के हमल के पहले तीन महीनों में किया जाता है बालिग अफरा में एसिड की एक टैबलेट रोजाना एक बार होती है जबकि बच्चों में इसका डोज 0.5 पॉइंट पर के जी पर डे के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है फॉलिक एसिड टैबलेट को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए इसको दूध के साथ बिल्कुल भी ना लिया जाए दूध में कैल्शियम होता है तो आयरन को कैल्शियम इन्हीबिट कर देता है यानी कैल्शियम बॉडी में फोलिक एसिड को जजब नहीं होने देता इसी वजह से फोलिक एसिड टेबलेट का इस्तेमाल हमेशा पानी के साथ किया जाए और फोलिक एसिड टेबलेट को एमटी स्टमक यानी कि या तो नाश्ते से पहले इस्तेमाल की जाए या खाना खाने के दो घंटे के बाद इस्तेमाल की जाए फोलिक एसिड टेबलेट लेने का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है इसको रात के वक्त इस्तेमाल न करें यह नींद में खलल पैदा करती है और अक्सर अफराद में फोलिक एसिड टेबलेट के इस्तेमाल से स्टमक इस में हैवीनेस होती है तो सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है या दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं इसको रात को सिर्फ लेने से अवॉइड करें अक्सर खात फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कंसेप्शन के बाद करती हैं जो कि तीन महीनों तक इस्तेमाल की जाती है लेकिन इसका सही तरीका यह है कि फोलिक एसिड को हमेशा जब आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी की तो हमल से एक से दो महीने पहले लेना शुरू कर दें या जब आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो तब तक इसका इस्तेमाल करते रहे जब तक कंसेप्शन नहीं हो जाती जब तक कंसीव नहीं हो जाता और अगर कंसीव हो जाता है प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी तीन महीनों तक फोलिक एसिड टेबलेट का इस्तेमाल करें फोलिक एसिड फोलेट यानी कि वाइटामिन बी नाइन एक वाटर सोल वाइटामिन है तो बॉडी में जितनी फोलिक एसिड की जरूरत होती है उतनी बॉडी मेटाबोलाइज कर लेती है उतनी बॉडी स्टोर कर लेती है बाकी की जितनी भी फोलिक एसिड की वैल्यू होती है वो थ्रू यूरिन और फीसिस स्टूल के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है तो यही वजह होती है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट थेरापी के दौरान यूरिन और स्टूल का कलर चेंज हो जाता है जो की डार्क कलर का या डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है इसकी वजह एक्सेस अमाउंट में जो फोलिक एसिड होती है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रही होती है थ्रू यूरिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी इस वीडियो को लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेलाइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज